फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस वेव कि वेव क्या है। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किए थे कि वेव क्या है, तो हमने ये पढ़ा था कि वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, दे कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट नेट मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब वेव जो है सो किसी भी मीडियम का डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन है, जो कि उसके मोलेक्यूल्स जो हैं सो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारा एयर भी वही है, हमारा एयर भी वाइब्रेटरी मूवमेंट के कारण ही हमारे साउंड को ट्रांसफ़र करता है। अभी सबके बारे में हमको आगे बताएंगे। हम लोग देखते हैं कि वेव एक टाइप, ठीक है, ऐसे आपको वेव का काइंड इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका कुछ पार्ट हम लोग को पढ़ना है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। तो हमारा वेव मुख्य रूप से हमारा जो आपको साउंड वेव का हम बात करते हैं, तो साउंड वेव हमारे दो तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव, और एक ट्रांसवर्स वेव। हमारे दो तरह के वेव हो गए, साउंड वेव कितने तरह के, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो हमारा साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव जो है सो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसकी गुण क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा जो थ्री मीडियम्स होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों मीडियम में प्रोपगेट होता है, सॉलिड में भी लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो है ये केवल दो मीडियम में प्रोपगेट का मतलब होता है संचरण होना, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह चलना। और एक ट्रांसवर्स वेव जो है ये केवल हमारे सॉलिड और लिक्विड में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रोपगेट होते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लिक्विड में बोलते हैं या सॉलिड में बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं तो हमारा साउंड एक जगह से दूसरे जगह ये एयर के माध्यम से, थ्रू द एयर प्रोपगेशन, यानी एयर के माध्यम से इसका प्रोपगेशन होता है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपको मैंने लिखाया भी है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ज़रा इसके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये तो आप समझ गए कि हमारा साउंड वेव जो है सो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में ज़रा देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल, ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव In which the particle movement is parallel to the direction of the wave propagation, wave propagation। हम लोग इसको back and forth के भी नाम से जानते हैं, या और राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल मूवमेंट या द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव
इज पैरेलल टू द पार्टिकल मूवमेंट टू द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन. ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव इन विच द पार्टिकल मूवमेंट इज पैरेलल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ द प्रोपगेशन. इसका और सारा भी पॉइंट है हम लिख सकते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन. यानी अगर यहाँ से अगर हम लोग बोलते हैं तो हमारा साउंड जो है वो सभी डायरेक्शन में, मतलब अपर भी लोअर भी साइड भी इधर भी और इधर भी, मतलब सभी डायरेक्शन में वह मूव करता है. हम लोग ये भी लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन ऑल डायरेक्शन मीन्स अगर हमारा साउंड वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसको याद रखिए, सबसे तो पहले इसको समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स पार्टिकल्स मूवमेंट इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन. मतलब कि जब पार्टिकल्स जैसे हम लोग अगर बोलते हैं तो हमारा एयर में भी वाइब्रेशन होता है, हमारा एयर में भी वाइब्रेशन होता है. तो इसका पार्टिकल्स अगर मोशन के डायरेक्शन में, अगर इसका मतलब वेव जिस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है उस डायरेक्शन के अगर पैरेलल अगर चलती है, जैसे एयर जो है, तो एयर जो है जैसे हम लोग बोलते हैं तो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है. तो इसका ये जो भी इसका होता है सो ऐसे पैरेलल इसका डायरेक्शन होता है ऐसे, ठीक है. यानी ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इन विच द पार्टिकल्स मूवमेंट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. यानी वेव का डायरेक्शन हमारा ऐसा है, वेव का डायरेक्शन हमारा ऐसा है, ठीक है. और ये अप डाउन मूव करता है, मतलब पैरेलल ऊपर नीचे, ठीक है. और ट्रांसवर्स में भी आपको बताएंगे कि ट्रांसवर्स का हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये इसके पैरेलल होता है. और ट्रांसवर्स में प्रोपगेशन और बैक एंड फोर्थ, और ये आगे पीछे कर करके चलता है, मतलब आगे पीछे. जैसे हम यहाँ से बोलते हैं, आप जैसे अपने आप से जैसे कोई वर्ड बोलिए हेलो, तो देखिए कि ये किस में से एयर की तरफ बाहर आता है. जैसे हम लोग इसमें से बोलते हैं तो ये किस में से एयर बाहर आता है, तो जैसे वो एयर बाहर आता है तो फिर वो अगले एयर को कंप्रेस करता है. मतलब कंप्रेस मतलब होता है दबा, जब तक इस एरिया को दबाएगा तब तक अगला एयर हमारा रेयरफैक्शन, मतलब वो एक दूसरे से अपार्ट रहेगा. तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हमारे मीडियम्स के पार्टिकल्स होते हैं सो हमारे पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं. मूवमेंट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बैक एंड फोर्थ और राइट लेफ्ट. राइट लेफ्ट मतलब होता है आगे पीछे, या बैक फोर्थ मतलब आगे पीछे. इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं सो आगे पीछे. तो ये आप याद रखिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के भी रूप में यह मूव करता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन ऑल डायरेक्शन, यह हमारा सभी डायरेक्शन में मूव करता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ये भी आप एक याद रखेंगे कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन में भी यह याद रखता है. और जिस वेव का, वेव के पार्टिकल का डायरेक्शन, उसके पार्टिकल का डायरेक्शन अगर वेव का पैरेलल है तो वह वेव जो है सो लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है. तब तक हम एक और आपको हम पॉइंट बताते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव
लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट प्रोपोगेट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मेटर, या थ्री स्टेट डायरेक्ट लिखिए, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एंड गैस, ठीक है, आज यही तक रहेगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सो हमारे तीनों मीडियम में चल सकते हैं, सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है और गैस में भी चलता है। तो ये सभी इससे हमारा पॉइंट रिलेटेड है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सो हमारा ऑल डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में अप डाउन आगे पीछे बैक फोर्थ भी हमारा चलता है। तो आप कहेंगे सर बैक फोर्थ आपने लिखा मीन्स कि आगे पीछे, तो आगे पीछे कहने का मतलब केवल अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे चला या यहाँ से पीछे चला तो ऐसा ये इसका मतलब नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर भी तो जा सकता है या फिर ऊपर से भी तो नीचे आ सकता है, ठीक है, इधर से भी तो हो सकता है, इधर से भी तो आगे पीछे हो सकता है, मतलब सभी डायरेक्शन में बैक फोर्थ हमारा आगे पीछे हो सकता है। और इसमें जो मोलिक्यूल्स जो होता है अगर आगे चलेगा तो इसमें भी पैरेलल होगा, मतलब पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वेव जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उसके मोलिक्यूल का जो डायरेक्शन होता है सो पैरेलल हो जाता है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का पहचान है। और ये कहता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के रूप में, कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा किस तरह से चलता है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, या साउंड वेव, ये भी आप कह सकते हैं कि साउंड वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्यों मैंने कहा लॉन्गिट्यूड, साउंड वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव हमारा कौन वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर कंप्रेशन रेयरफेक्शन के रूप में चलता है तो साउंड वेव तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, तो साउंड वेव को भी हम लोग कह सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में चलता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि साउंड वेव हमारा किस रूप में चलता है तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के रूप में, उसकी डायरेक्शन क्या होती है तो बैक एंड फोर्थ और लेफ्ट एंड राइट, इसको ये मेन पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी को भी हम लोग कह सकते हैं कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन के रूप में चलता है, और साउंड वेव को भी हम कह सकते हैं कि साउंड वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव इज बैक एंड फोर्थ और लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों बात हम बता सकते हैं। ये कैसे, जैसे हम लोग यहाँ से बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से बोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का एयर जो है, अब सवाल है कि कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन क्या है और रेयरफेक्शन क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है कंप्रेशन का और रेयरफेक्शन का डिफिनेशन, आपके बुक में एक एग्जांपल भी सबका दिया हुआ है, आप इसको पढ़ करके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।